देखो ये सुलेशन और ये छोटा सा बच्चा देख रहे हो, सुलेशन पी रहा था, देख लो भाग गया, देखो देख रहे हो सुलेशन पी रहा था देखो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में। और अभी मैं हूँ पटना जंक्शन के बाहर और आपको इस वीडियो में मिलने वाले पटना जंक्शन की पूरी जानकारी ए टू जेड, यहाँ पर कितने प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर पार्किंग सुविधा है कि नहीं है, टिकट काउंटर और सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पटना जंक्शन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बड़ी सी पार्किंग है यहाँ पर और कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। और वहाँ से पटना जंक्शन शुरुआत है, खूबसूरत सी गोल्डन कलर में पेंटिंग की गई है यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ पे अशोक चक्र, महात्मा बुद्ध, शांति स्तूप जैसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो उसी की पेंटिंग यहाँ पर उकेरी गई है। बोधि वृक्ष बनाया गया है, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन यक्षिणी जैसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पटना जंक्शन के बाहर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को जिसके बारे में पता है, जंक्शन आते होंगे उसको देखते जरूर होंगे लेकिन उसके बारे में बहुत कम पता है। चलिए दिखाते हैं और बताते हैं। जंक्शन के ठीक सामने है महावीर मंदिर। ये महावीर मंदिर है, महावीर का इतिहास इतना रोचक है कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, लेकिन इसका वीडियो पूरा देखने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने दूसरे चैनल यात्रा जंक्शन को, उस पर आपको इस मंदिर का पूरा वीडियो मिलेगा। चलते हैं अंदर की तरफ। जंक्शन के बाहर ही उधर एस्केलेटर लगा हुआ है, वहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, आप चाहें तो एस्केलेटर से भी जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। वह गेट नंबर एक, यह गेट नंबर दो और इधर सामने की तरफ है मेरे गेट नंबर तीन, और इधर जब आप जाएंगे तो ऐसे उधर है गेट नंबर चार, ऐसे कई सारे गेट बनाए गए हैं। टिकट काउंटर उधर भी है, टिकट काउंटर वहाँ भी है, टिकट काउंटर यहाँ भी है, तो कई जगह टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। और इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई है 1861 में, 1861 में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर, तो चलिए चलते हैं गेट नंबर तीन की तरफ से अंदर। ऐसे चलेंगे गेट नंबर तरफ से अंदर। भीड़ फिलहाल ठीक ठाक है, नहीं तो पटना में तो भीड़ इतनी होती है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अच्छी बात ये है, यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन आप भी अगर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म के अंदर जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेना बिल्कुल भी ना भूलें। बैक सिक्स ये रात को जलता है, बहुत खूबसूरत लगता है। नाइट कुछ शॉट लिए थे मैंने, आपको उसको ऐड कर दूंगा तो आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए स्कैनर लगा हुआ है, तो आप अपने लगेज वगैरह स्कैन करके ही अंदर जाएँ। और सामने पूछताछ काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, तो ट्रेन की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले पाएंगे। LEDs के माध्यम से आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए सबसे पहले आपको दिखेगा उधर प्लेटफॉर्म टिकट, ₹10 का प्लेटफॉर्म टिकट है, तो आप यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट ले पाएंगे। और यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ अगर TC बाबू या TT बाबू ने पकड़ लिया तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी अगर आप बे टिकट हैं। देखिए यहाँ पर TT खड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना, TC है बेसिकली। और कोई भी बेटिकट पड़ता और कोई भी बेटिकट पकड़ा जाता है तो उसे पेनाल्टी भुगतनी पड़ती है, तो ऐसा काम करना है क्यों, ठीक है। ये सारी तैयारियां इसलिए हो रही है क्योंकि 12 तारीख को वंदे भारत का इनॉग्रल रन है। यहाँ से 5 या 4 वंदे भारत कुछ यहाँ पर जाने वाली हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ सजाई जा रही है। कोशिश पूरी है कि आपका भाई भी उसमें जर्नी करे, बाकी देखते हैं। सामने खड़ी है आगरा दुर्ग और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक है, इसी से इनॉग्रल रन होना है। बिहार की ये मेरी पहली जर्नी थी और उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेहतरीन और खूबसूरत जर्नी होगी। जैसा कि मैं वीडियोस में देखा करता था, मुझे लगता था कि यार बिहार ऐसी वाली फीलिंग आते थे, लेकिन वाकई बिहार बहुत बदल चुका है और धीरे धीरे बदल रहा है। या फिर यूँ कह सकते हो कि अभी मैं राजधानी में हूँ तो ऐसा है, आउटर एरिया में जाऊँगा तो शायद कुछ ऐसा हो, अभी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा है तो आप लिफ्ट का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, आपके साथ बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो आप लिफ्ट से भी अंदर जा सकते हैं बिना पैर में, बिना पैर को दुखे। यहाँ पर जाएंगे और गेट को करेंगे हम बंद, बंद करेंगे, फर्स्ट फ्लोर दबाएंगे, गेट हो जाएगा बंद। चलेंगे ऊपर की तरफ, चलिए आगे ऊपर हम। अभी हमें फुट ओवर ब्रिज पर बड़ी आसानी से आप बिना थके बिना रुके यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये फुट ओवर ब्रिज काफ़ी चौड़ा है, देख रहे, काफ़ी स्पेसियस है। और फुट ओवर ब्रिज से मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है ये रेलवे स्टेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अगर कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। वैसे अगर मैं गूगल बाबा की बात करूं तो गूगल पे दिखाता है 10 प्लेटफॉर्म और 13 पटरियाँ। ये आगरा दुर्ग भी आई है और यहाँ से लोकल मेमो ट्रेन भी चलती है, ये सारे पैसेंजर उसी से उतरे हुए हैं। यह बिहार की राजधानी। प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई ठीक है, एवरेज में है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है नई दिल्ली जैसे, लेकिन ये है कि गंदा भी नहीं है, साफ़ सुथरा है। ऐसे है कुछ प्लेटफॉर्म
पटना का, और नीचे नीचे कई जगह यहाँ पर काम चल रहा है, जैसे कि हर रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत मॉडिफाई किया जा रहा है, अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ चल रहा है। PNB EKIR इंटरसिटी एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट सामने हुआ है, 12:35 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। प्लेटफॉर्म्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स साफ सफाई ठीक ठाक है, भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर जाने के लिए आप इधर जा सकते हैं, सामने 8 और 9, 10 आगे की तरफ है, मतलब टोटल 10 प्लेटफॉर्म और 13 पटरियाँ यहाँ पर हैं। अगर आप करबीघैया की ओर जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 10 की तरफ से एग्जिट लेना होगा, और अगर आप हनुमान मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं जिसे महावीर टेम्पल कहते हैं तो आपको जाना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से। यह प्लेटफॉर्म नंबर 10, और इधर से आप इधर से एग्जिट कर सकते हैं सामने की तरफ से, यह एग्जिट पॉइंट है, इधर से एग्जिट मार सकते हैं आप, और चाहे तो आप लिफ्ट का भी आनंद ले सकते हैं, इससे भी आप एग्जिट पर जा सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं बेसिकली। पटना से गया तक के लिए EMU चल रही है, देख रहे हैं, और हाल ऐसा है कि भाई साहब बिल्कुल बेहाल, देख रहे हैं ना, ऐसे दिल्ली और बिहार की ट्रेनों में रहता है ना बिल्कुल वैसा वाला हाल, देख रहे हैं, ऐसे लटक लटक के लोग जा रहे हैं, देखो ऐसे लोग जाते हैं भाई साहब, देखो ये चढ़ ही नहीं पाए भाई साहब, ये हाल है EMU का जो पटना से गया के बीच चलती है। यह पटना का प्लेटफॉर्म नंबर 8, अभी यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, और खाने पीने के लिए यहाँ पर हर जगह आपको फूड कैटरिंग मिल जाएंगी, और 1 नंबर पर भी मिल जाएगी, 2 नंबर पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रहे हैं ना, हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, साफ सफाई भी एकदम बेहतरीन है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पटना और बिहार को लेकर लोगों के माइंडसेट जो रहता है ना कि गंदगी और ऐसा वाला, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत नीट एंड क्लीन है। और खाने पीने के लिए देखिए ये छोटे छोटे फ्रूट्स के स्टॉल लगे हैं, ये भी आप ले सकते हैं, जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, गुआवा हो गया, इन सब सारी चीज़ों का आप ले पाएंगे। सामने की तरफ 2 फुटओवर ब्रिज और है, एक मेरे पीछे जिससे मैं आया, 2 आगे, ये वाला और वो वाला, इधर से चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये वाला फुटओवर ब्रिज कैसा है। इधर जा रही है सुविधा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, यह है पटना जंक्शन का दूसरा वाला फुटओवर ब्रिज, और इतना चौड़ा है, देख रहे हैं चौड़ाई, इतना चौड़ा इसमें ट्रक, 2 ट्रक बड़े आराम से जा सकते हैं, इतनी चौड़ाई है। और साइड साइड में देख रहे हैं मिथिला की पेंटिंग, खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग जगह जगह लगाई गई है, देखिए ये वाली खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, और बहुत कुछ है वहाँ पर जो आपको भी दिखाना है, ये बात ध्यान रखा, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर TC जगह जगह देखने को मिलेंगे, आपको पकड़ लेंगे फिर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ये बात को ध्यान रखना है। देखिए प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, और इसलिए यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल चमकता रहता है, साफ सुथरा है। यह एग्ज़िट पॉइंट जिधर से हम एग्ज़िट ले रहे हैं, और यहाँ पर आई है मगध एक्सप्रेस, टाइम दिखा रहा है 12:40 पर आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो दिल्ली, जो नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से चलती है। मगध एक्सप्रेस की अगर आपको जर्नी देखनी तो आप ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश है, आप उसको देख सकते हैं। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है पटना जंक्शन, खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग, वो जो है ऊपर वाला बहुत अच्छा लगता है देखने में, और ऐसा कुछ है पूरा ओवरव्यू, सामने कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगी है। ये है एग्जिट पॉइंट मंदिर की तरफ पर, महावीर मंदिर की ओर के लिए एग्जिट लेना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर से, तो आप इधर से ले पाएंगे, ऐसे नीचे जाना है। यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एग्जिट बिल्कुल वैसे है जैसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय महिला पुरुष दोनों के लिए ऊपर है, और इधर आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में पहले, ये है पूछताछ काउंटर, सामने स्कैनर है, सामने जो है प्लेटफॉर्म टिकट पर्यटक सूचना केंद्र भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर घूमना फिरना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहिए कहाँ नहीं, वहाँ से आप जानकारी ले पाएंगे। सामने की तरफ पार्किंग एरिया, एग्जिट पॉइंट, और आगे की तरफ जब आप जाएंगे एक वहाँ पे है, वो चलकर आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर बहुत प्यारा है। यहाँ पर टिकट घर है सामने की तरफ, तो आप यहाँ पर आके अनारक्षित टिकट ले सकते हैं, गेट नंबर 4 के पास में आपको दिखेगा, और खूबसूरत सी पेंटिंग इतनी प्यारी लग रही है ना कि मन को आपके मोह लेगी, पटना जंक्शन के ऊपर ब्रांडिंग, और ये देखिए खूबसूरत सी यहाँ पर बड़ा सुंदर व्यू है। अच्छा, यहाँ से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एस्केलेटर लगा हुआ है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं,
देखिए एक्सीटर से जा सकते हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप गाड़ी अपनी ले पाएंगे। लेकिन अगर आप टिकट घर की बात करो तो टिकट घर आपको इधर है, चलकर दिखाता हूँ टिकट घर और कितने वहाँ पर काउंटर है, क्या वेटिंग एरिया है, वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। यह अनारक्षित टिकट घर, ऊपर जैसे कि बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से आप जाएंगे। एसी वेटिंग हॉल, ऐसी कई सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। देखिए ये है खूबसूरत सी मिथिला पेंटिंग के साथ सिटिंग एरिया बैठने के लिए, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। बेंच वगैरह लगी है, स्टील वाली बेंच है और सामने की तरफ 13 टिकट काउंटर हैं। भीड़ को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए 13 टिकट काउंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सामने देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर स्कैनर कोड के माध्यम से भी टिकट मिलता है। अच्छी बात यह है अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप कोड को स्कैन करके भी पे कर पाएंगे। देखिए कितना मैनेज्ड भीड़ है। मोबाइल चार्जिंग के लिए देखिए बॉक्सेस लगाए गए हैं तरह तरह के, ऐसे कई जगह लगाए गए हैं हर एक पिलर पर। एक ये है, एक सामने की तरफ है, देखिए चार्जिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और कितनी अच्छी तरीके से भीड़ मैनेज है देख सकते हैं। यही भीड़ अगर नई दिल्ली में होती इतनी लंबी लाइन लगती है, रेला मचा रहता है। देख रहे हैं ना, ये पूरा टिकट बुकिंग एरिया है और भीड़ कितनी है आप लोग देख सकते हैं। बाकी इधर वेटिंग एरिया बड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पर आप बैठ कर आराम कर सकते हैं। ABTM मशीन भी लगी है तो आप चाहें तो अपने आप से जनरल का टिकट ले सकते हैं। बाकी दिव्यांगजनों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, वरीय नागरिक के लिए यहाँ पर टिकट अलग से काउंटर बनाया गया है। पूछताछ काउंटर भी यहाँ पर एक अलग से बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ के VIP चीज़। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ खाने पीने की सुविधा अगर आप लेना चाहें, क्या क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। गजब गजब की चीज़ें यहाँ पर है, बहुत देशी दुकानें हैं। वेटिंग एरिया देख रहे हैं, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय लेडीज एंड जेंट्स ऊपर तरफ है। इधर सारी खाने पीने की चीज़ें, जन आहार है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जन आहार वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नाइट में इसका मैंने एक विजुअल बनाया था, बहुत ही प्यारा आया था, उसको मैं ऐड कर दूँगा, आप उसको देख पाएंगे। लिट्टी चोखा बिहार की फेमस फूड, लिट्टी चोखा का भी आप यहाँ पर आनंद ले पाएंगे। बाकी कॉफ़ी वगैरह लेना चाहें, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, फूड कोर्ट, ये सारी सुविधाएँ आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर आप ले पाएंगे। गजब गजब वो चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको माइंड में जो चीज़ें रहती हैं ना बिहार को लेके, वो चीज़ें फ़िलहाल पटना जंक्शन पर तो नहीं है। देखो ना कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। पीने के लिए पानी यहाँ पर मिलेगा, वाटर ATM मिलेगा और बहुत कुछ है जो आपकी ज़रूरत के लिए सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। देखिए यह आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट, और उसी के बगल में प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल, ये पूरा पूरा वेटिंग हॉल है। और सामने लिखा हुआ ये आम रास्ता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लगेज है वो लोड होते हैं, इधर से आम रास्ता नहीं है, लोग सामान वामान लेके आते हैं, आपको चोट चपेट लग सकती है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी हानि हो। फिलहाल ऐसा ही कुछ पटना जंक्शन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।